जितने भी प्रशासन की बड़ी मूवमेंट होती है करनाल के जो हमेशा सारे चाहे वो गीता महोत्सव की बात हो क्या होता है ये सर सभागार जो बनाया गया था ये सबसे पहले 2014 के अंदर के हिसाब से सभी संस्थाओं ने मिलकर मांग की पीछे पीछे संस्थाओं की डिमांड पर ये सभागार बनाया गया आज इसको जो है निजी हाथों में देने की बात चल रही है इसको लीज पर देने की बात चल रही है ये सर जनहित के संस्थान है और जनहित के संस्थान को हम लाभ हानि या घाटे नफे से नहीं तोल सकते अगर वो घाटे में चल रहे हैं वो प्राइवेट व्यक्ति आएगा वो कैसे प्रॉफिट में बदलेगा हमारे आप इतने पढ़े लिखे IAS सारे ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं आप इससे बढ़िया स्कीम लेकर आ सकते हैं कि और ज्यादा बढ़िया चला जाए तो हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि ये जनहित के संस्थान है तो इनको निजी हाथों में ना दिया जाए दूसरा कला और संस्कृति को सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाना सर सरकार का और प्रशासन का राज पर ये हमेशा से ये होता भी है क्योंकि हम लोग जो गतिविधियां करते हैं वो निजी हित के लिए नहीं करते वो सरकार का ही काम है जो हम कर रहे हैं अगर हम भ्रूण हत्या के काम खिलाफ काम कर रहे हैं वो सरकार का काम है अगर हम हरियाणा की कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं वो सरकार का काम है जिसमें हम लोग मदद कर रहे हैं तो सर जो सामाजिक संस्थाएं हैं सांस्कृतिक संस्थाएं हैं कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी उसको दिया जा रहा है ताकि खर्चा पूरा हो जाए इसको प्रॉफिट की दृष्टि से ना देखा जाए और दूसरा ये कि इसको निजी हाथों में ना सौंपा जाए इसकी लीज कैंसिल की जाए और ये करनाल के लोगों की सामूहिक डिमांड है जी ये सभी अभी तो हम लोग एक एक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हैं अदरवाइज मतलब आप ये समझिए कि हर एक के साथ जो है सारे मेंबर आते थे नीचे हमने वो ठीक नहीं समझा लेकिन ये सभी की ओर से आप पूरे करनाल की भावनाओं से आपको अवगत कराने के लिए आए हैं कि ये करनाल के लोगों की भावनाएं हैं और ये मेमोरेंडम है हमारा CM साहब के नाम और सांसद महोदय के नाम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज और इसम खड़े कनाल के जिला सचिवालय में आपको बता दें कि डॉक्टर मंगल सेन एडिटोरियम जो अंबेडकर चौक पे बना हुआ है करनाल में उसे जो है अब लीज के ऊपर दे दिया जाएगा उसे जो है उसकी बोली लगाई जा रही है आज और उसी के विरोध में आज जितनी भी यहाँ पर आपको देख रही हैं सामाजिक संस्थाएं जो हैं एकजुट होकर जो है इसका विरोध कर रही हैं क्योंकि जो मंगल सेन एडिटोरियम है उसे एक सोच के साथ बनाया गया था और बता दें कि लगभग 10 करोड़ की लागत से जो है उसे तैयार किया गया क्योंकि आम आदमी जो है उसके अंदर जैसे कि पहले NDRI में एडिटोरियम है उसमें किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता था वो कार्यक्रम लगभग 50-60 हज़ार रुपये जो है उसके लिए देने पड़ते थे लेकिन अब जो है ये एडिटोरियम के अंदर जो है जैसे कि आम जितने भी पहले जो आपको बता दें कि सरकारी जितने भी यहाँ पर जो पैलेसेस हैं वहाँ पर वो प्रोग्राम करते थे और उसमें काफ़ी कम जो खर्चा देना पड़ता था पर अब जो है बोली लगाकर जो है इसे किराए पर दिया जा रहा है तो इसी बात को लेकर जो है यह निफा और सामाजिक संस्थाएँ विरोध करती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल की जनता की आवाज़ पर करनाल की कला और संस्कृति जगत की आवाज़ पर करनाल की सामाजिक संस्थाओं की आवाज़ पर बनाया गया था लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 करोड़ की ज़मीन है और 11 करोड़ रुपये ऊपर लगाया गया था 20-25 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट जो है जिसको करनाल के लोग करनाल की सामाजिक संस्थाएँ और करनाल के कला क्षेत्र से सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जिसे ये समझते थे कि वो एक करनाल को सौगात दी गई है आज उस सौगात को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और तर्क ये दिया जा रहा है जी 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीना बिजली का बिल आता है और वो बिल जो है पूरा नहीं हो रहा तो फिर तो एक काम करो सारे सरकारी दफ्तर जो हैं जो घाटे में चल रहे हैं सबको निजी हाथों में दे दो सारे सरकारी पदों की भी बोलियाँ लगा दो। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम एक तरफ जो है वो देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा संस्थान जहाँ से ये उम्मीद की गई थी कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा उसको लीज पर देने की बात की जा रही है। ऐसी क्या आफत आ गई कि इतना प्रशासन सरकार सब कुछ मिलके 1-1.5 लाख रुपये उसका बिजली का बिल है वो नहीं पूरा हो रहा। और दूसरी मैं एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब वो ऑडिटोरियम बंद पड़ा हुआ है कोरोना में कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे तो किस चीज़ का बिल आ रहा है 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया किस चीज़ का बिल आ रहा है। जो लोग अगर वहाँ सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं तो उन सरकारी विभागों से भी किराया लिया जाए अगर महीने में 10 प्रोग्राम होते हैं तो 10-10 हज़ार लिया जाएगा 1 लाख रुपये का बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो इसके बहुत से रास्ते और हैं जो प्रशासन को सोचने चाहिए कला और संस्कृति को ख़त्म ना करें। ये देखिए ये राजधर्म है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो जनहित की चीज़ें होती हैं उनको लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाता जनहित की चीज़ों का व्यापारीकरण नहीं किया जाता तो ये जनहित के लिए एक बहुत अच्छी सौगात मुख्यमंत्री जी ने करनाल को दी थी जिसके लिए सारे खुश थे और सभी ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था बकायदा उसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके धन्यवाद किया था।
तो आज उस धन्यवाद को जो है हम इस तरफ ना लेके जाएं कि सभी ये सोचें कि ये तो एक छलावा था, ये तो केवल एक हमें जो है वो दिखाया गया था और उसके बाद उठाकर इसे निजी हाथों को सौंप दिया गया और इसको जो है इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। मुझे नहीं लगता, अगर लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगर महीने का बिजली का बिल लगा लें, 1 लाख रुपया हम उसका भी लगा लें, रख रखाव का भी लगा लें, साल के अगर 25 से 30 लाख रुपया हम इसका ऑडिटोरियम का खर्चा लगा लें, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी कहीं से ना आए। क्या सरकार 25 से 30 लाख रुपया कला और संस्कृति को, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपये आ रहा है, स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी वहीं पर है, उसका किराया ही अगर दे दिया जाए तब भी जो है बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये गलत है। हम लोग सारे जितने भी यहाँ देखें, आप देखेंगे कला और संस्कृति से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग डी साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी के नाम है और सांसद महोदया के नाम पर है कि ये लीज़ जो है इसको कैंसिल किया जाए और इसको जो है जैसे सरकार चलाती है बाकी ऑडिटोरियम, चंडीगढ़ में ऑडिटोरियम बहुत से हैं सरकारी हैं सरकार चलाती है, दिल्ली में बहुत से ऑडिटोरियम हैं सरकार चलाती है, इसको सरकारी तौर पर चलाया जाए और जिस रेट पे सरकार सरकारी विभागों को दिया जाता है 10,000 रुपया वही रेट संस्थाओं के लिए रखा जाए, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो कमर्शियल काम नहीं करती, वहाँ टिकट लगाकर नहीं बेचती, घर का काम नहीं कर रही। अगर वो वहाँ भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ प्रोग्राम करती हैं तो वो सरकार का काम है जो संस्थाएं कर रही हैं। अगर वहाँ कोई कला और संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं तो वो देश की कला और संस्कृति का कर रहे हैं, अपने घर के काम नहीं कर रहे। रात उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहित करने की बजाय जो है उनको इस प्रकार से जो ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही डिमांड लेकर आज हम आए हैं कि इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं किया जाता, हम तो जो बोली देने वाले लोग आए हैं जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि वो इस बोली से पीछे हट जाएं। ये करनाल की भावनाओं के खिलाफ बोली हो रही है, वो इससे पीछे हटें। अगर कोई ठेकेदार इसको बोली पर लेता है और प्रशासन देता है तो करनाल की संस्थाएं सामूहिक रूप से इस ऑडिटोरियम का ही बहिष्कार करेंगी कि जब तक ये निजी हाथों में रहेगा ना कोई सामाजिक संस्था वहाँ कार्यक्रम करेगी और ना ही वहाँ पर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल खुला विरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कई संस्थान हैं जिनके बिल काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, कहीं कहीं करोड़ों के पड़े हैं, उनको भी दे इस हिसाब से देंगे। अब मैं तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप जो सार्वजनिक हित के संस्थान होते हैं उनको अगर आप लाभ की दृष्टि से देखोगे, हानि की दृष्टि से देखोगे, तो इस देश के मैक्सिमम संस्थान जो हैं वो निजी हाथों में चले जाएंगे अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो। आपका कल्पना चावला हॉस्पिटल कौन सा बढ़िया कर रहा है? ये जो इतना बड़ा बनाया गया है, आज ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इसको भी निजी हाथों में दे दो, इसका निजीकरण कर दो, सार्वजनिक हित खत्म कर दो। तो जो सार्वजनिक हित की चीज़ें होती हैं उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 25 करोड़ रुपया जो लगा है वो सरकार का लगा और सरकार के पास कहाँ, वो पब्लिक की मनी है। तो पब्लिक मनी से 25 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ लाख रुपये महीने के बदले में या साल के बदले में किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, लाभ वो कमाएगा। जो व्यक्ति इसको लेगा वो लाभ कमाने के लिए लेगा, वो सेवा के लिए नहीं लेगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा कला संस्कृति। कल को हो सकता है वो यहाँ पर शादियाँ भी करानी शुरू कर दें। आपको याद होगा पंचायत भवन को भी निजी हाथों में दिया गया था, हमने विरोध किया था उस समय, पिछली सरकार ने दिया था वो, और वहाँ पर होटल का बोर्ड लगा दिया गया था। और वहाँ पर मतलब एक पंचायत भवन जो पंचायतों के काम के लिए, जो संस्थाओं की मीटिंगों के लिए था, उस वहाँ पर होटल खोल दिया गया था, वहाँ पर शादी ब्याह के प्रोग्राम होने लग गए थे। तो यही कल को यही होगा, जो निजी व्यक्ति लेगा वो कल को यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्राम करेगा, उसको तो अपने खर्चे पूरे करने हैं, उसको तो ये देखना है कि कहाँ से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल करनाल के लोग, अभी तो ये कुछ संस्थाएँ आई हैं, उम्मीद है कि पहले लेवल पर इसको मान लिया जाएगा, नहीं तो करनाल के लोग संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष को जिस लेवल पर ले जाना पड़े उस लेवल पर लेकर जाएंगे। ज्ञापन दिया जाएगा आज, ज्ञापन यही दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम और सांसद महोदय के नाम डीसी साहब के माध्यम से इस लीज को कैंसिल किया जाए और इसके और रास्ते सरकार निकाले, कला और संस्कृति को पोषित करे और कला संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों के लिए उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी विभागों को दिया जा रहा है। आज ये जो दिया जा रहा है, तो जिस तरीके से आपने देखा कि निफा से जो है प्रीतपाल पन्नू जी इस समय खड़े हैं जिला सचिवालय में और यहाँ पर जो है अपना मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं, जहाँ पर जो मंगल सेन जो ऑडिटोरियम है उसको लीज पर चढ़ाया जा रहा है, जबकि इस सोच से उसे बनाया गया था कि सामाजिक कार्यों के लिए हो, चाहे लोगों की परेशानी को लेकर हो, तो उन संस्थाओं के लिए हो, आमजन के लिए इसे बनाया गया था। तो अब जो है एक तरह से उसकी प्राइवेटाइजेशन ही हो रही है, क्योंकि वो निजी हाथों में जाएगा तो मनमर्जी का किराया भी वसूला जाएगा, क्योंकि सरकार का जो प्रशासन का कहना है कि उसका किराया जो था नहीं दिया जा रहा था, उसकी जो क्या बोले उसकी जो बिजली का जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा था, उसके मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा था ऐसा कहा जा रहा है। और फिलहाल जो है ये अब जो ज्ञापन है अपना देने के लिए आए हुए हैं यहाँ डीसी ऑफिस में, तो देखते हैं आगे किस तरीके से अपना ज्ञापन देते हैं और फिलहाल यहाँ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोली
आज इसकी लगाई जा रही है और फिलहाल जो है यहाँ पर सभी सामाजिक संस्थाएं इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल जो है करनाल के जिला सचिवालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर सामाजिक, तो हमारे साथ जो है राजेश शर्मा जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस ऑडिटोरियम को किराए पर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ही हो रही है इसकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज सभी संस्थाएं यहाँ पे ऑडिटोरियम को लीज के मामले को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और ये कल से ये सारे शहर में एक मुद्दा बना हुआ है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार का विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, प्रॉपर माइंड ये डिसीजन लिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक बात और मैं जोर दो के कहना चाहूँगा कि लोगों के ऊपर डबल मार मारी जा रही है। हमारे टैक्स के पैसे तो इन्होंने 10 करोड़ खर्च करके इन्होंने ये बनाया है और अब प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो इसका मतलब तो सरकार इंजेक्शन लगा के खून निकालना चाह रही है। ये कतई नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल हमने मतलब मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के सभी संस्थाओं ने ये सौगात मांगी थी, उन्होंने बड़े खुश होकर दी थी और इसका अब ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं गलत चीज़ों, मतलब इसको लीज पे देने, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मनमर्जी का किराया भी वसूला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली जो भी यहाँ पे लीज पे इसको लेगा वो कल को प्रॉफिट मोटिव होगा उसका, वो कल को इसमें 100 तरीके के और मतलब काम धंधे शुरू कर देगा। प्रशासन को चाहिए कि इस जगह का प्रॉपर इस्तेमाल करे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हब बना दे चारों तरफ दीवारों के तरफ, ऊपर की जो फर्स्ट मंजिल है उसको बैंक वगैरह पे किराए पे दिया जा सकता था, जो शुरू में सुना था कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, लेकिन ये अब गलत तरीके से लीज पे दिया जा रहा है, तो हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो आज डीसी साहब को ज्ञापन देने डेफिनेटली के नाम। हाँ बिल्कुल जी। तो यहाँ पर जो है आज डीसी निशांत कुमार यादव हैं, उनको यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो है पहुँच रहे हैं और यहाँ पर त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जो एडिटोरियम है उसको लेकर जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रही है, उसे लीज पे दिया जा, निजी हाथों में दिया जा रहा है? देखिए मैं अभी एडीसी महोदय को ज्ञापन दे के आए हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मालूम पड़ा था हम पहुँचे हैं। करनाल के अंदर सिर्फ एक महत्व स्थान ऐसा है जहाँ पर सामाजिक संस्थाएँ अपना कार्यक्रम कर सकती है, बाकी जो जगह है NDRI वगैरह बहुत महंगी है, ये किफ़ायती था। ऐसी क्या बात हुई कि 2 साल पहले जो उन्होंने करनाल के लोगों को CMCT के नाम से एक दिया था बनाकर ऑडिटोरियम, उसको प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात आ गई? क्या कल को ये सेक्रेटरीट भी प्राइवेट हाथों में दे देंगे? क्या जहाँ जहाँ बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे वो प्राइवेट हाथों में जाएंगी? हम इसका विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराने के लिए हम आए थे। ये करनाल के लोगों के लिए चिंता का विषय है और आने वाला समय करनाल के लिए बेहतर नहीं है, हम ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया है जैसे कि सभी सामाजिक संस्थाओं ने विरोध किया है और आज डीसी निशांत कुमार यादव को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री के नाम की। इस तरह से जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बात ऑडिटोरियम की नहीं है, यहाँ बात अगर हम पूरे देश की कर लें, इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चाहे सरकारी जो विभाग हैं, चाहे उसके अंदर हम LIC की बात कर लें, LIC में भी जो है लगभग हम बता दें कि 50% जो है उसके अंदर या 30% उसमें निवेश जो है एक प्राइवेट संस्था द्वारा किया जा रहा है, उसको भी प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा चाहे हम रेलवे की बात कर लें, उसके अलावा तो ऐसे धीरे धीरे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा है कि धीरे धीरे जो सरकारी जो यहाँ पर जो विभाग हैं सभी निजी हाथों में जाने लगे हैं। तो ऐसे में कंट्रोल जब सरकार का नहीं रहेगा तो फिर बाद में ये देश किस तरफ जाएगा? पहले से ही भुखमरी है, हर चीज़ इतनी महंगी है और अब कि लोगों को अपने कोई कार्यक्रम करने होते हैं चाहे सामाजिक संस्था हो या प्राइवेट जो लोग हैं, तो अब जो है वो निजी में जाएगा तो उसे खर्चा निकालने के लिए यहाँ पर उसका मन जो है मर्जी का जो किराया लिया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया निशांत कुमार यादव की तरफ से कि इसका जो किराया है वो एक फिक्स किया जाएगा, इससे ज़्यादा किराया नहीं हो सकता, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं DC ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें कि DC निशांत कुमार यादव को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे मुख्यमंत्री के नाम और देखते हैं आगे आखिर जो जिसका विरोध ये कर रहे हैं कि आखिर इनका विरोध कितना जो है आगे तक जाता है। और फिलहाल IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे और जिला सचिवालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जाएंगे। ये सर सभागार जो बनाया गया था ये सबसे पहले 2014 के अंदर थी, उस से सभी संस्थाओं ने मिलकर मांग की, पीछे पीछे इस संस्थाओं की डिमांड पर ये सभागार बनाया गया। आज इसको जो है निजी हाथों में देने की बात चल रही है, इसको लीज पर देने की बात चल रही है। ये सर जनहित के संस्थान है और जनहित के संस्थान को हम लाभ हानि या घाटे नफे से नहीं तोल सकते। अगर वो घाटे में चल रहे हैं वो प्राइवेट व्यक्ति आएगा वो कैसे प्रॉफिट में बदलेगा? हमारे आप इतने पढ़े लिखे IAS सारे ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, आप इससे बढ़िया स्कीम लेकर आ सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़िया चला जाए? तो हमारी ये सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि ये जनहित के संस्थान है, तो इनको निजी हाथों में ना दिया जाए। दूसरा, कला और संस्कृति को सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाना सर सरकार का और प्रशासन का राज्य।
और ये हमेशा से होता भी है, क्योंकि हम लोग जो गतिविधियां करते हैं वो निजी हित के लिए नहीं करते, वो सरकार का ही काम है जो हम कर रहे हैं। अगर हम भ्रूण हत्या के काम खिलाफ काम कर रहे हैं वो सरकार का काम है, अगर हम हरियाणा के कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं वो सरकार का काम है जिसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी उसको दिया जा रहा है, ताकि खर्चा पूरा हो जाए, इसको प्रॉफिट की दृष्टि से ना देखा जाए। और दूसरा ये कि इसको निजी हाथों में ना सौंपा जाए, इसकी लीज कैंसिल की जाए। और ये करनाल के लोगों की सामूहिक डिमांड है जी, ये सभी अभी तो मतलब एक एक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हैं, अदरवाइज मतलब आप ये समझिए कि हर एक के साथ जो है सारे मेंबर आते हैं नीचे, हमने वो ठीक नहीं समझा, लेकिन ये सभी की ओर से आप पूरे करनाल की भावनाओं से आपको अवगत कराने के लिए आए हैं कि करनाल के लोगों की भावनाएं हैं। और ये मेमोरेंडम है हमारा सीएम साहब के नाम और सांसद महोदय के नाम जी सर, आपके माध्यम से। एक मिनट पकड़ो टेलीफोन पकड़ रहे सर, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज थैंक यू सर। आप